इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का एस एफ आर ए टेस्ट के बारे में देखने वाला है एफ आर ए फुलीप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ये टेस्ट करने का रीज़न है वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट इंटरटेन शॉर्ट वाइंडिंग एंड कोर एट तो फॉल्ट लूज एंड ब्रोकन क्लैम्प कनेक्शन एक्चुअली ट्रांसफार्म अंदर में कोई भी मैकेनिकल का मैकेनिकली कोई डिस्टर्ब हो जाता है उसे जानने के लिए ये वाला टेस्ट करना पड़ता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर को मैनुफेक्चर से फैक्ट्री में लेके आएंगे ट्रक के थ्रू तो उस टाइम रास्ता में क्या कहीं कहीं हिलना हिल सकता है क्या हिलने से क्या अंदर का जो खोर या वाइंडिंग लूज़ के कारण से क्या uh, मतलब टैपर हो सकता चैडा हो सकता है ठीक है uh, नहीं तो वाइंडिंग बीच में uh, जो स्पेसर रहता है अगर वो अगर हिलते हिलते लूज होकर गिर के टेन टू टेन अगर उतर सकता है ठीक है ये सब ये वाला टेस्ट में पता चल जाएगा हेवी शॉर्ट सर्किट होने से भी अंदर मैकेनिकली डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है कोर टेपर हो जाता है नहीं तो uh, कंटेक्ट गर्म होकर सट सकता है ठीक है ये सब प्रॉब्लम इसमें पता चल जाएगा कनेक्शन एंड टेस्ट के बारे में जानने के पहले आर एल सी बारे में जानना जरूरी है ठीक है आर मीन्स रेजिस्टेंस एल मीन्स इंडक्टेंस सी फा सी मीन्स कैपेसिटेंस ये तीनों प्रॉपर्टीज सारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में होता है ठीक है और रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस सारा कंडक्टर कोई भी कंडक्टर कॉपर एल्यूमिनियम जो भी हो और में कोई भी मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है ठीक और इंडक्टेंस भी उसमें होता है सी कैपेसिटेंस कैपेसिटी अंदर कैसे रहता है दो कंटेक्ट प्लेट रहेगा बीच में कोई भी डाइल्टी मीडियम रहने से वो कैपेसिटर है ठीक है वैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बॉडी और यहाँ पे कंटेक्ट वाइंडिंग कंडक्टर है बीच में आपको ऑयल रहेगा सो तो ये कपैसिटी टाइप का बन जाता है ठीक इसका जो वाले बहुत कम रहे पिकअप रेड में रहेगा ठीक वैसे कंडक्ट टू कंडक्टर भी कैपेसिटर है इसको बीच में भी गैप है सो ये भी कैपेसिटी जैसे एक्ट करेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल रजिस्टेंट वन ओम से इंडक्शन जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोहेंड्री एम और कैपासिटी से ट्वेंटी पिकऑफ फैरट ठीक है इसे मैंने एक सप्लाई दे रहा हूँ टेन वोल्ट का ट्वेंटी मेगा फ्रिक्वेंसी दे रहा हूँ ठीक है तो देने से क्या इसका एक आउटपुट मिलेगा इसका जो ग्राफ है ऐसे रहेगा ठीक है थीके? अगर मान लीजिएगा इसमें कोई भी वैल्यू में अगर चेंज कर रहा हूँ तो कपासिटी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ फाइव पिक ऑफ फैरट ठीक है इसमें इनपुट सेम ही रहेगा लेकिन आउटपुट अलग हो जाता है ठीक है तो इसका ग्राफ ऐसे रहेगा सो तो अभी जो पहले वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों को फर्क पड़ता है ठीक है इसका मतलब क्या है अंदर में कुछ हुआ है राइट वैसे ट्रांसफॉर्म में भी है अभी इस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफार्मर यसआफ़र या इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें शोर से लेके एक बुश में लगा दिया और रेफरेंस का तार भी में लगाना लगाना है ठीक है और जो मेजरमेंट तार है दूसरा पुश में लगा दिया लेकिन एक ही वाइंड का स्टार्ट एंड में लगाना है इसको ठीक है और ग्राउंड का तार है वो ट्रांसफार्मर बॉडी पे लगा देना, है ठीक है फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट है आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में हो रहा है ठीक है सो इसका जो आउटपुट ग्राफ है ऐसे मान लीजिए लिया है ठीक है अभी ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करके अपना जो फैक्ट्री जहाँ पे लगे वहाँ पे आ गया था। बीच में जो रास्ता में हेवी वाइब्रेशन की वजह से कि ये जो कोर वाइंडिंग का जो ये है वो थोड़ा टैपर हो गया ठीक है so, सो इसका पहले क्या है सही रहा था सो so, बॉडी और इसका बीच में गैप ज़्यादा था तो इसका कैपेसिटेंस अलग रहता है ठीक है अभी टैपर इसका जो गैप पर कम हो गया तो इसका कैपेसिटेंस अलग हो जाता है so, सो क्या है कैपेसिटी वैरी हो रहा है अभी यहाँ पे आने के बाद फिर ये टेस्टिंग अगर करेंगे तो इसका ग्राफ अलग हो जाता है ठीक इसी में पता चल जाएगा कुछ ना कुछ अंदर हुआ है बिफोर और आफ्टर ग्राफ सेम होना चाहिए रेस्टेंस भी वेरी होगा क्योंकि अगर मान लो टेन टू टेन अगर शार्ट हो गया पहले रेस्टरेंस से रेस्टेंस और कम हो जाएगा सो so, इसका जो आउटपुट है ये भी वेरी होता है ठीक है so, सो इसलिए ये सफ आर ये टेस्ट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और कोई हैवी शॉर्ट सर्किट बनने के बाद करना पड़ता है ये मैक्सिमम हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर में ही करता है ठीक है वैसे कम कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करता है ठीक है अगर टेन टू टेन शॉर्ट रहेगा अगर ये अनबैलेंस रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो उसी में पता चल जाता है फिर भी ये टेस्ट आपको बहुत एक्यूरेसी पता चलता है ठीक है ऐसा करके एक एक वाइंडिंग का अलग अलग चेक करना है ठीक है और ये स्टार में कैसे करना है स्टार में भी रेड और इसका जो न्यूट्रल है उसमें चेक करना और येल्लो और न्यूट्रल ब्लू और न्यूट्रल ऐसा करके चेक करना ठीक अलग अलग वाइंडिंग हो जाता है ऐसा करके चेक करना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब प्रोप वगैरह लगाएंगे ना जो इंस्ट्रूमेंट को प्रोपुट लगाएंगे बुश में पूरा सफाई करके एकदम टाइट से लगाना ग्राउंड कनेक्शन ये सब कनेक्शन ठीक से लगाना नहीं तो उस अगर ठीक से नहीं लगाएंगे अगर ट्रांसफर ठीक भी रहेगा आउटपुट गलत आएगा ठीक है